तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज बड़ी बहस में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के द्वारा पीसीसी दफ्तर में जनसुनवाई कार्यक्रम की। इस जनसुनवाई कार्यक्रम से जनता को कितना लाभ मिल रहा है और संगठन और सरकार के बीच में जो समन्वय बनाने की कोशिश है वो कितनी कारगर साबित हो पा रही है, आज इसी पर चर्चा लगातार जारी है। चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटेंगे, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। आरआर तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि आपने कहा कि भाई अब जो कोल है वो तो केंद्र सरकार को उपलब्ध करवाना है और इसलिए अगर आप वो उपलब्ध करवा दें तो राजस्थान के अंदर बिजली का जो संकट है वो समाप्त हो सकता है, ये समस्या नहीं रहेगी। श्याम झा जी का कहना है कि भाई जो कोल है उसका पैसा आप लोग चुका दीजिए, समय पर पैसा पेमेंट करेंगे तो आपको एक कोल मिलता रहेगा, इसलिए इस आड़ में ना छुपें कि केंद्र सरकार नहीं कर रही है। जब आप ये कहते हैं तो आप छुपने की कोशिश करते हैं। आरआर तिवारी जी, इसका जवाब दीजिए। आयुष, मैं कह रहा हूँ श्याम जान जी से कहो, राजस्थान का जीएसटी का 6000 करोड़ रुपया केंद्र में बकाया है, वो 6000 करोड़ रुपया भी आप देना नहीं चाहते हो। असली बात ये आयुष, अडानी जी को आपने पहली बार डिलिमिटेशन कर दिया, राष्ट्रीयकृत जो खाने थी उनको आपने अडानी जी को दे दिया और अडानी जी उस कोयले को विदेश भेज रहे हैं। कोल इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने कहा था कि राजस्थान समेत 16 राज्य, केवल राजस्थान की समस्या नहीं है, देश का आधा हिस्सा कोयले की कमी के कारण अंधेरे में है। देश के प्रधानमंत्री जी को अब गुजरात की चिंता नहीं है, उत्तर प्रदेश की चिंता नहीं है, हरियाणा की चिंता नहीं है, अरे केवल राजस्थान ही नहीं है देश में, देश के अधिकांश भागों पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें भी हैं। लेकिन चूंकि आपको अडानी जी को मोबिलाइज करना, उनको उपकृत करना है और आप ना रेल वन मंत्री से, ना ऊर्जा मंत्री से, न कोयला मंत्री से कई बैठक का आपने कभी सुना क्या कि इन तीनों मंत्रियों ने बैठ करके देश के आधे हिस्से को अंधेरे से उजाले में डालने के लिए कोई प्रक्रिया की हो? जब देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री अपने किसी साथी को अगर मदद करना चाहते हैं तो सरकार तो पंगु है, श्याम झा जी भी इस बात को जानते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, चित्रांश केवल बयान दे करके राजस्थान की सरकार के खिलाफ वातावरण बनाने से इनकी मंशा पूरी नहीं होगी। ऊर्जा के क्षेत्र में, अक्षय ऊर्जा में राजस्थान नंबर एक पर है, लेकिन कोयला और दोनों मिलकर के हम 7 करोड़ लोगों के घरों की हम बिजली सप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल श्याम झा जी, इसका जवाब दीजिए। एक तो भाई जो जीएसटी का बकाया है अगर आप वही दे दें तो उससे भी बहुत कुछ हल हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी से श्याम झा जी भागेंगे तो कैसे राजस्थान के अंदर ये परिस्थितियां सामान्य हो सकती हैं? श्याम झा जी जवाब दीजिए। इनके चित्रांश 25 सांसद इनके हैं, जिम्मेदारी है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल मैं जवाब लेता हूँ, एक सेकंड। ठीक है तिवारी जी, मैं जवाब ले ले रहा हूँ। श्याम झा जी, श्याम झा जी, नहीं ठीक है, 25 सांसद हैं, ठीक है। श्याम झा जी जवाब दीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ चित्रांश जी, ये अडानी अंबानी जो राहुल गांधी से लेकर के कांग्रेस का जो वार्ड का जो छोटा से छोटा कार्यकर्ता है, ये बार बार अडानी अंबानी इनका जो नाम लेता है, मुझे ये बता दे आरआर तिवारी जी, क्या अंबानी का जन्म 2012-13-14 में हुआ या अडानी का जन्म 12-13-14 में हुआ? और एक तरफ जब राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे कि प्रधानमंत्री जी अंबानी को ओबलाइज करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, जैसा कि इन लोगों की परिपाटी है, अगले ही दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि अशोक गहलोत जी ने मुकेश अंबानी की कंपनी को बुला करके और कई हजार एकड़ जमीन सौर ऊर्जा के लिए उपलब्ध कराई बहुत सस्ते दामों में। तो अडानी जी इनके संधि के पार्टनर हैं अशोक गहलोत जी के, तो ये सब माहौल बनाना बंद करें, बार बार अच्छा नहीं लगता, आपको शोभा नहीं देता तिवारी जी। और आप जो जनता की समस्याओं के लिए जो ये जन सुनवाई कैंप चला रहे हैं, आप खुद की समस्या तो सुलझा लीजिए। आप अशोक गहलोत जी खुद समस्या में पड़े हुए हैं कि कब सचिन पायलट मेरी कुर्सी गिरा देगा, कब मैं मुख्यमंत्री के पद से मेरे को कहीं हटाना पड़ जाए रातों रात। आप तो खुद की समस्याओं को तो सुलझा नहीं पा रहे, जनता की समस्याओं को क्या सुलझाएंगे? आपके आपके विधायक आपके लिए समस्या बने हुए, सचिन पायलट आपके के लिए समस्या बने हुए, आपके कई मंत्री आपके लिए समस्या बने हुए, आपके मंत्रियों की समस्या तो सुलझा लीजिए, आपकी खुद की समस्या तो सुलझा लीजिए, उसके बाद जनता की सुन लीजिए। आप तो वैसे भी 4 महीने से कुछ बेरोजगार युवक रोड पर बैठे हुए हैं, आप उनकी समस्या की सुनवाई कब करेंगे वो बता दीजिए।
आपने उनके एक बार भी सुधरी जाकर के सैकड़ों युवक रोड पे सो रहे हैं, इतनी गर्मी है, कभी अभी बारिश का मौसम आने वाला है, चार महीने से सर्दियों के समय से वो बैठे हुए हैं, आपने क्यों नहीं सुधरी जाकर के? आप खाम खाका इस तरह का अडानी अंबानी हर चीज है, क्या क्या बोलना चाहते हैं आप? आपने अडानी अंबानी को राजस्थान में इन्वाइट करके आपने उनके साथ एमओयू साइन नहीं किया, बताइए। तो अडानी अंबानी अगर केंद्र सरकार के उसमें कोई उद्योग उद्यम लगाना चाह रहे हैं और वहां काम कर रहे हैं तो उसमें क्या आपत्ति है? आरआर तिवारी जी, आप अडानी अंबानी का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि अडानी अंबानी के साथ ही तो एमओयू राजस्थान सरकार भी साइन कर रही है, तो फिर आप उनका बाइकॉट कर दीजिए। और दूसरा यह है कि जो कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं जो कितने लंबे समय से 54-55 दिन से बैठे हैं, वो अक्षय ऊर्जा में राजस्थान की जनता के हित में कर रहे हैं, आप उनको जो है अभी तक कहां उनके आयुष से पूछो अडानी आज दुनिया का पांचवें नंबर का अमीर आदमी कैसे बन गया? अरे तो राजस्थान सरकार को तो कम से कम एमओयू नहीं करना चाहिए ना के लिए, हमने तो खुली लोगों से राय ले रखी है। नहीं नहीं, लेकिन तिवारी जी, अगर आप उनका विरोध कर रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई अडानी अंबानी के लिए सब कर रहे हैं, तो कम से कम आप तो ना करें उनके लिए, लेकिन आप भी तो एमओयू कर ही रहे हैं उनके साथ। अब एमओयू तो राजस्थान की जनता के लिए करें कि अक्षय ऊर्जा के अंदर राजस्थान सिरमौर बने, राजस्थान की जनता को सस्ती बिजली दे पाए, इसका मतलब ये नहीं। चलिए ठीक है, अब वो कहेंगे कि वो भी जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन ठीक है तिवारी जी, देखिए यहाँ पे चूंकि जन सुनवाई का यहाँ पे जिक्र हुआ तिवारी जी, यहाँ पर ये हुआ कि भाई जन सुनवाई इसलिए हो रही कि जनता की समस्या का समाधान हो जाए। कोविड स्वास्थ्य सहायक लगातार बैठे हुए हैं धरने पर, उनकी समस्या का तो समाधान हो नहीं रहा। आज भी कोविड स्वास्थ्य सहायक यहां पर पहुंच गए थे, किस तरह का माहौल उस समय बना वो आपने देखा, उनकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? मुख्यमंत्री जी ने आज ही कहा है ये पद के बिना ही इनको कैसे समायोजित करें। आयुष आप बताओ तो सही, 28,000 पदों पर हम डायरेक्ट कैसे बना दें? बजट में कोई प्रावधान नहीं है, आकस्मिक कोई बीमारी आई, आकस्मिक आपदा आई, आकस्मिक आपदा के लिए हमने इनको रोजगार दिया, उस समय ये थोड़ी कहा था कि हम इनको जिंदगी भर के लिए रखेंगे। और फिर कह रहा हूं जननायक अशोक गहलोत के मन में इनके प्रति बड़ा आदर है, कहीं ना कहीं समायोजित करेंगे, लेकिन वो जो बच्चे नर्सिंग के हैं वो एग्जाम में बैठते हैं, वो उनको अगर हम नियमित नहीं कर पाएंगे तो इनको कैसे कर पाएंगे? फिर तो डिग्री लेना ही बेकार है। आकस्मिक या प्राकृतिक आत्मा में किसी को अगर हम डेली वेजेस पे रख लें, एक फिक्स वेतन पे रख लें, वो ये मान करके चले कि साहब हमारी तो शादी तय हो गई, हमारी शादी छूट जाएगी, ये भावनात्मक मुद्दे नहीं है। आप परीक्षा दो, राजस्थान की सरकार 3,00,000 लोगों को रोजगार दे रही है अलग अलग विभागों में, आप वहां पर कंपटीशन एग्जाम में बैठो, पास हो, आप सरकार की नौकरी करो। आप ये कह रहे हो कि साहब हमारे जनता, हमने हमारा जान हमारी जिंदगी को खिलवाड़ किया, तो आपने कह करके आपसे कहा गया था कि कोविड की बीमारी में आपको रखा जा रहा है फिक्स वेतन मान पे, आपको पता नहीं था क्या? ये भावनात्मक मुद्दे उठा करके सरकार की नौकरी लेना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार का एक प्रावधान होता है, नियम होता है, संविधान के अनुसार ही उनको ले सकते हैं। फिर भी कोशिश है, मुख्यमंत्री जी के प्रति चिंतित है, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। आयुष श्याम झा जी, कोविड स्वास्थ्य सहायकों को लेकर के खूब पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन क्या कह सकते हैं आप कि भाई इनको कैसे समायोजित करेंगे, कैसे हो सकता है? भाई वो जो बात कह रहे हैं आरआर तिवारी जी वो बिल्कुल सही है, जब उसके पद का सृजन है नहीं, वो हो नहीं सकता, तो आप उनके लिए फंड कहां से लेकर के आएंगे? वो तो आकस्मिक व्यवस्था थी, इसको लेकर के ये राजनीति क्यों है? आकस्मिक व्यवस्था में आपने उनको लिया तो अब उनका क्या होना है, क्या नहीं होना, उनका बात करके कुछ विस्तारण करिए, कोई ना कोई रास्ता निकालिए। आज इतने दिनों से वो बेरोजगार सड़क पे बैठे हैं, वो राजस्थान के बच्चे हैं, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, आप इस तरह से उनको छोड़ सकते हैं रोड पे? रात को रोडों पे सोते हैं, आपको क्या शोभा देता है ये? राजस्थान की जो सरकार है, क्या उनकी संवेदना इतनी खत्म हो गई कि राजस्थान के बेटे बेटियां रोड पे सोए हुए हैं और उनको कोई चिंता नहीं है? आप उनसे बात तो करिए जाकर के। और भर्तियों की जो आप बात कर रहे हैं, भर्तियां तो डोडासरा जी के घर से होती है, वहां पेपर लीक होते हैं, वहां सौदेबाजी होती है, तो जब तो राजस्थान के जो युवा है वो कहां कौन सा परीक्षा दे, कौन सी परीक्षा ऐसी है वो बता दीजिए,
कि ये परीक्षाएं तो हम लोग डोडासरा जी के घर से करेंगे और ये परीक्षाएं हैं जो राजस्थान का कोई भी बच्चा दे सकता है, उसकी सरकारी नौकरी में भर्ती हो जाएगी। वो एक बार थोड़ा सा चिन्हित कर दीजिए। और राजस्थान की जनता जो बलात्कार और आपराधिक मामलों में जो त्रस्त हो रखी है उससे कब निजात दिला देंगे वो बता दीजिए, तो फिर तो जाकर के कुछ समस्याओं का समाधान हो। आज राजस्थान की जनता त्रस्त है, अपराध के मामलों में नंबर वन है राजस्थान देश में, बलात्कार के मामले में देश में नंबर वन है राजस्थान, इन समस्याओं से थोड़ा सा निजात दिलाइए। आर आर तिवारी जी, उनका कहना यह है कि भाई देखिए आप कैसे समस्याओं से समाधान दिलाएंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि क्राइम में देखिए राजस्थान नंबर एक पर चला जा रहा है, वो आप उसको कैसे दूर करेंगे। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ये आप कह तो रहे हैं कि आप उनके लिए संवेदनशील हैं, लेकिन इनको आप कैसे एडजस्ट करेंगे। कह रहे हैं कि आप पेपर देकर के आ जाइए तो पेपर भी आपके यहाँ जो है सही तरीके से नहीं होते हैं, लीक हो जाते हैं, भर्तियाँ लटक जाती हैं, तो फिर इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। दो महत्वपूर्ण सवाल श्याम झा जी ने उठाए, आर आर तिवारी जी जवाब दीजिए इसका। आयुष, जब से देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 से देश के अंदर रेल का सारा काम, कोई नौकरी नहीं मिल रही, रेलवे विभाग में एक आपने रिक्त पद नहीं निकाला, सेना में भर्ती होती थी, देश के लाखों बच्चों की सेना में भर्ती आपने रोक रखी है। राजस्थान की सरकार दे तो रही है रोजगार, अपराध के नाम पर आप देश के सबसे बड़े सूबे को कैसे चुप हो रहे हैं श्याम झा। हत्याओं में सबसे बड़ा सूबा अगर है तो 24 करोड़ का सूबा जहां योगी और मोदी की जोड़ी काम करती है। हरियाणा के अंदर डंडा राज चल रहा है, तोड़ दो का राज चल रहा है। हमारे यहाँ आंकड़े जो आते हैं, आयुष, राजस्थान के जननायक ने तमाम पुलिस अफसरों से कह रखा है एफआईआर दर्ज होना जरूरी है, एफआईआर दर्ज होना जरूरी है। धरातल पे कितना काम हो रहा है तिवारी जी, एफआईआर दर्ज होना जरूरी है। एनसीआर भी जो राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो उसका मानना है कि 43% एफआईआर राजस्थान में झूठी पाई जाती है। ये आंकड़ों के आधार पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, फिर कह रहा हूं, मुद्दों के ऊपर कोई राजनीति करती है। अगर हमने कंपलसरी कर रखा है एफआईआर लॉन्च करने का तो अपराध की संख्या रजिस्टर में तो बढ़ेगी, लेकिन 43% अपराध फाल्स पाए जाते हैं महिलाओं के मामले में। ये रिकॉर्ड मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड है। और फिर कह रहा हूं, जननायक अशोक गहलोत राजस्थान में 3 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और रोजगार दे रहे हैं जभी तो राजस्थान की सरकार की वाहवाही हो रही है। ना यूपी की सरकार दे रही है, ना हरियाणा की सरकार दे रही है, ना गुजरात की सरकार दे रही है। हमने कभी 2 लाख लोगों को रोजगार दिया और 1 लाख लोगों को हम 2023 तक रोजगार देंगे। राजस्थान की सरकार ओपीएस देने वाली पहली देश की सरकार है जो कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं 60 साल बाद में, उनके परिवार वाले उनको कैसे संभालें। इसलिए जननायक अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे, 2004 में जब उन्होंने पेंशन स्कीम बंद करी, अशोक गहलोत ने उन्हीं परिवारों को वापस ओल्ड पेंशन स्कीम दे करके राजस्थान के 90 लाख लोगों को आर्थिक आधार दिया है, उनके परिवार को आर्थिक आधार दिया है। हमने स्वास्थ्य में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की गारंटी दी है, और जो चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करा रहे उनको 5 लाख का बीमा अलग से दिया है। ये जन कल्याणकारी योजना। श्याम झा जी जवाब दीजिए भाई, देखिए इतना काम तो कर रही राजस्थान की सरकार, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, भर्तियां भी कर रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं और लोगों की सहायता जैसे हो सकती है वैसे कर रहे हैं। आप लोगों ने तो वो भी नहीं किया, आपके जो शासित प्रदेश है उनका भी एग्जांपल दे रहे थे। आर आर तिवारी जी इतनी जोर जोर से चुनावी भाषण जो दे रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, चुनावी भाषण में जो किसान का कर्ज माफ करने की घोषणा थी वो हो गई क्या?
बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की जो बात, अरे राष्ट्रीयकृत बैंक हमारे अधीन नहीं है श्याम झा, चुप रहिए रे तिवारी जी। हमने सहकारी बैंकों का 100% बैंकों से लोन लेकर के जो किसानों के दिया माफ किया। सीतारमन जी से कहे आपके 25 सांसद राष्ट्रीयकृत बैंकों का हम पैसा चुकाने की स्थिति में 10% दे सकते हैं। अरे तिवारी जी, बीपी क्यों हाई हो रहा है, थोड़ा तसल्ली रखिए, सुन तो लीजिए, आपका समय आएगा बोलिएगा, बीच बीच में बोलने लग जाते हैं, पता क्या डिबेट का आप क्या वो मखौल उड़ा रहे हैं डिबेट का, आप सुनना पसंद नहीं करते, बीच बीच में बोलने लग जाते हैं। इतने वरिष्ठ आदमी है, थोड़ा तो आप समझिए कि डिबेट का मतलब क्या होता है, बीच बीच में हल्ला करने से डिबेट होती है क्या? इतने वरिष्ठ नेता है आप कांग्रेस के। श्याम झा जी, चलिए जवाब दीजिए। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का, 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा था उसका क्या हुआ? किसानों का जो कर्ज माफ करने का 10 दिन में जो वादा था उसका क्या हुआ? आपने पेंशन योजना की घोषणा कर दी, वो लागू हो जाएगी, उन लोगों को मिलने लग जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? जब आपने पीछे मखौल उड़ाया बेरोजगारों का, किसानों का मखौल उड़ाया, तो इसकी क्या गारंटी है कि पेंशनरों को पेंशन मिलना चालू हो जाएगी? बाद में भी आप कहोगे केंद्र सरकार ने ये कर दिया, केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया, हमारे पास पैसा नहीं था, तो फिर हम कहां से पेंशन दें? अरे भैया, ठीकरा फोड़ना बंद करिए। आप लोगों को पहले नहीं पता था क्या? अशोक गहलोत पहले कभी मुख्यमंत्री नहीं थे, उन्हें पता नहीं था किसानों का जो कर्ज है वो कौन से बैंक से है, कौन से बैंक से नहीं है? आपने किस हिसाब से आपने कमिटमेंट कर दिया कि किसानों का 10 दिन में ऋण माफ हो जाएगा? क्या अशोक गहलोत जी शासन कर चुके हैं, पहले पढ़े लिखे हैं, उनको सब पता था कि क्या होना है क्या नहीं होना। जो 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलना था, 10% बेरोजगारों को आपने देकर के खानापूर्ति कर दी कि हमने बेरोजगारी भत्ता चालू कर दिया। भैया 90% आज भी बेरोजगारी भत्ते के लिए इंतजार कर रहे हैं कि हमें कब से बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये जो घोषणाएं हैं, झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। राजस्थान की जनता मूर्ख नहीं है, अगर यही हाल रहा तो ये जननायक आयुष डरे हुए श्याम झा। राजस्थान में राहुल गांधी जी कहते गए थे सरकार कांग्रेस की बना दो, 10 दिन के अंदर आपका बैंक का ऋण माफ हो जाएगा। राजस्थान की सरकार बनाने के लिए कहा था, भारत से सरकार नहीं बन रही थी श्याम झा, समझ रहे हो क्या? राजस्थान की 200 विधानसभा की सीटों पर राजस्थान की सरकार का जो दायरा होगा उसी का तो फंड माफ हो सकता है। देश की सरकार के प्रधानमंत्री नहीं बने जननायक अशोक गहलोत। राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो लोन ले रखा उसके लिए सीतारमन जी माफ कर सकती है, प्रधानमंत्री जी माफ कर सकते हैं। अशोक गहलोत जी ने कहा हम हमारा 10% का हिस्सा दे सकते हैं, बाकी का लोन माफ करे। फिर कह रहा हूं श्याम जी, 25 सांसद आपके भारतीय जनता पार्टी के किसी दिन सीतारमन जी से या देश के प्रधानमंत्री जी से किसानों की वेदना को लेकर के मिले क्या? और अगर हम काम नहीं करेंगे, ओपीएस नहीं देंगे, लोगों को रोजगार नहीं देंगे, अगर झूठे वादे करेंगे तो ये लोकतंत्र में जनता माई बाप होती है, जनता जिसको चाहती है जीत उसी की होती है। श्याम झा डरो मत, अगर हम जो कहते हैं नहीं करेंगे तो जनता हमको सजा देगी, लेकिन आपके लफासी पने केवल बयानवीर नेताओं की छवि मत बनाओ। जनता के लिए कांग्रेस की जननायक अशोक गहलोत की सरकार जो कुछ अच्छे काम करिए उसके लिए कभी तो अच्छा बोला करो। आप यहां तय करो, वसुंधरा राजे बड़ी नेता है कि सतीश पूनिया बड़े नेता है? आप यहां राजेंद्र राठौड़ बड़े नेता है कि गजेंद्र सिंह बड़े नेता है? आपके घर के कुनबे के कलह को आप सुचारू नहीं कर पा रहे हो, सुलझा नहीं पा रहे हो। चलिए आरण तिवारी जी, आपकी इसी बात के साथ आज की चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास समय नहीं है। आप दोनों लोगों का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सवाल यही है, चूंकि अब जिस तरह से जनता दरबार या जनसुनवाई का कार्यक्रम है उसमें समस्याओं का निस्तारण कितना होता है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार का लक्ष्य ये है कि जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचे। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।